नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि खरखाटे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिक ज्ञान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे टाटा 1210 का पंप्स फिटिंग कैसा करते हैं, उसका टाइमिंग कैसा सेट करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना है दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लिया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहला काम आपको करना है कि एक नंबर पिस्टन और छः नंबर पिस्टन को टॉप में ले आना। टॉप में आप कैसा ले आएंगे, इंजन घुमाते रहिए, टॉप में जैसा आ जाता है उसके बाद में आप रॉकर को एक स्क्रू ड्रॉवर से पेचकस से दबा कर रखिए। जैसा टॉप में आ जाएगा पेचकस से टच हो जाएगा, उसी प्रकार दबा कर रखिए। ऐसा लग रहा है कि टॉप में आ गया तो छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों देखिए, ये स्क्रू ड्राइवर से दबा रहे हैं और ये टॉप में आ चुका है हमारा फर्स्ट सिलेंडर और सिक्स सिलेंडर। उसके बाद दोस्तों आप सबसे पहले देख लीजिए 11 नंबर और 12 नंबर रॉकर जाम है और एक नंबर और दो नंबर रॉकर फ्री है, तो इसी पोजीशन पे हमें पंप फिट करना है। तो चलिए दोस्तों, हम अब आपको ले चलते हैं पंप की ओर। दोस्तों, अगर एक नंबर पिस्टन और छः नंबर पिस्टन को हम टॉप में ले आते हैं, ले आने के बाद में हम पंप फिटिंग करेंगे तो एक टीथ एडवांस करके फिट कर देंगे तो हमारा पंप का टाइमिंग एक्यूरेट करेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं आप। तो पहला तो हमने बताया पिस्टन टॉप में लेके आना है, फर्स्ट सिलेंडर और सिक्स सिलेंडर। दूसरा हमने बताया कि एक नंबर और दो नंबर रॉकर एकदम लूज होना चाहिए और 11 नंबर 12 नंबर जाम होना चाहिए। अब तीसरा हम बता तीसरा होगा दोस्त, पंप को एक टीथ एडवांस करके फिटिंग करना है, और फिटिंग करने के बाद देखना है चौथा में जो पंप का प्लंजर होता है उसका पिस्टन टॉप से हल्का सा ऊपर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम टाइमिंग दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गियर के ऊपर एक टीथ के ऊपर निशान दिया हुआ है, सेंटर में येलो कलर का पेंट लगा है, वो है पंप की टाइमिंग। और एक निशान और होगा, उससे एक टीथ ऊपर रखना है, और आप देख सकते हैं प्लंजर का टॉप पोजीशन हल्का सा ऊपर है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि पंप टाइमिंग कैसा सेट करते हैं। आपको चार पॉइंट ध्यान में रखना है और उसी प्रकार से पंप फिट कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और इसी टाइप से वीडियो के साथ बने रहने के लिए लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय।